जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारी जो स्टिक है SAL जो आई आर्केड, ये PC के लिए PC पे चलेगी, PS3 पे भी चल जाएगी और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी चलेगी जिसमें जी OTG की सपोर्ट हो, USB ऑन द गो। तो ये इसके साथ 1.5 मीटर की लेंथ के साथ केबल आती है, USB केबल, और इसके बटन जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट बटन है इसके। और इसके साथ एक ये लिवर आ रहा था इसके साथ जो स्टिक, तो ज़बरदस्त क्वालिटी की जो स्टिक है, ये बेहतरीन चीज़ है। किंग ऑफ फाइटर, टेकन 7 गेम खेलने के लिए, तो ये चीज़। और ये चिप बोर्ड के साथ बॉक्स बना है, बॉक्स जो है चिप बोर्ड का अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है। टोटल वेट जो है इस जॉयस्टिक का तकरीबन 2.5 kg के करीब है, तो किंग ऑफ फाइटर खेलने वालों के लिए ज़रा इजी हो जाता है ये बॉक्स के। वो जितना बॉक्स का वज़न ज़्यादा हो तो उतना ही वो गेम के दौरान हिलेगा नहीं, उसकी ग्रिप बनी रहेगी। तो वीडियो में मैं आज दिखाना चाह रहा था कि कस्टमर जो है ना, काफ़ी कई दफ़ा उनको पता नहीं होता कि जो स्टिक उनकी नहीं चल रही उनके पास, तो उनको पता नहीं होता कि क्या करें। तो पहले तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि जो स्टिक पहले चेक कैसे करनी है। तो ये केबल हम इंसर्ट करेंगे, ये लैपटॉप में लगा लेंगे, ये प्लग कर दिया। अब ये देखिए हमारा जो कंप्यूटर बता रहा है कि USB गेम पैड डिटेक्ट हो गया। अभी कंप्यूटर सेटिंग वगैरह इसकी कर रहा है, तो उतनी देर तक ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। ले ये इसने विंडोज ने जो है जो गेम पैड जो है वो डिटेक्ट कर लिया, सेटिंग वगैरह कर लिया। जैसे सेटिंग होगी तो आपको ये पहले आपने जाना है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में आपको ये USB गेम पैड मिल जाएगा। आप ये डिटैच करते हैं, USB केबल उतारते हैं, रिमूव हो जाएगा, वहाँ से भी शो नहीं होगा। USB केबल लगाएंगे आपको जो है वो विंडो के ऊपर डिटेक्ट हो जाएगा, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में कंट्रोल पैनल के अंदर जाके। अब ये हमारा गेम पैड आ गया है, ये जब तक ये आपको ब्लैक सर्कल मिल रहा है इसका मतलब विंडो जो है अभी इसको चेक वगैरह कर रही है, कॉन्फ़िगर कर रही है, ये चलेगा। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हमने इसको चेक करना है कि कंट्रोलर हमारा डिटेक्ट हो गया कि कंट्रोलर ओके है। अब हमने इसकी कीज़ भी चेक करनी है कि सारी कीज़ वर्किंग कर रही हैं। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे गेम के USB गेम पैड के आइकन के ऊपर और गेम कंट्रोलर सेटिंग को क्लिक कर लेंगे। गेम कंट्रोलर सेटिंग को क्लिक किया तो ये हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे। ये हमारे पास जो है ना गेम पैड टेस्ट की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे अब हम जो जो की प्रेस करेंगे, मैं कैमरा थोड़ा करीब कर देता हूँ थोड़ा सा, तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो ये जो है उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई जो स्टिक ओके है और इसकी ये वाली की ओके है। अब मैं इस पर अप करता हूँ, ये देखें अप किया तो
ये जो प्लस का निशान है ये अप हो गया है, छोड़ दिया तो नीचे आ गया, डाउन करूँगा नीचे आ गया, छोड़ दिया तो न्यूट्रल वापस अपनी लोकेशन पे आ गया। ये लेफ़्ट किया, ये राइट किया। अब मैं पहला बटन दबाऊंगा, पहला बटन रेड हो गया, छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। इसी तरह टू, ये थ्री प्रेस किया है, फोर प्रेस किया है, फाइव प्रेस किया है, सिक्स प्रेस किया है, सेवन एट नाइन टेन, जी 10 बटन की गेम पैड जॉयस्टिक है। तो जैसे जैसे कोई बटन दबाएंगे, जैसे ये वन प्लस प्रेस किया है, टू प्रेस किया है, ये थ्री प्रेस किया है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये नाइन और ये टेन, ये अप किया है जॉयस्टिक को, ये डाउन किया है लेफ्ट और ये राइट। लेकिन इस तरह हमारी जो है जॉयस्टिक कंप्यूटर के ऊपर चेक हो गई है। अब जॉयस्टिक तो हो गई है कंप्यूटर के ऊपर चेक। अब इसके ऊपर ज़्यादातर मेन 32 गेम खेली जाती हैं या टेकन 7। अब मेरा लैपटॉप तो नहीं सपोर्ट करता टेकन 7 को, नॉर्मल सा लैपटॉप है, तो इसके ऊपर हम मेन 32 प्ले करके देख लेते हैं। मेन 32 में भी थोड़ी गेम की सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। जब पहली दफ़ा मेन 32 इम्यूलेटर को ऑन करेंगे, रन करेंगे, तो इसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी, गेम पैड को की कीज़ को गेम इस इम्यूलेटर के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास एक मेम 32 का वर्जन है, मेम 32++0.119। ये वाला जो मेरे पास वर्जन है ना मेम 32 का, ये किसी भी विंडो पे बेहतरीन चलता है और गेम पैड को सपोर्ट करता है, जॉयस्टिक को बिल्कुल ज़बरदस्त चलाता है। तो पहले हाथ ये मैंने ओपन किया, तो मैं इसको कोई गेम को चलाता हूँ। अभी मेरे पास ना लोकेशन नहीं दी हुई कि मेरी गेम्स कहाँ पे पड़ी हैं। मैं आपको अगर फोल्डर दिखाऊँ गेम का, ये गेम का फोल्डर है मेम 32 का, और इसमें रोम्स के फोल्डर के अंदर ये गेम्स पड़ी हुई हैं। अब मैंने इम्यूलेटर के अंदर भी वो वाला जो लोकेशन है वो उसको करवाना है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टरीज, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने सेम जो वो लोकेशन थी वो वाली ब्राउज़ करवा के ओके कर देनी है। ये मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, उस लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे मेरी गेम सेव है, डी में गेम्स के अंदर मेम के अंदर रोम्स के फोल्डर को मैं क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा, तो मेरी ये जो रोम्स हैं ये ओके हो जाएंगे। ओके जी, अब ये इसने स्कैनिंग भी शुरू कर दी है, नीचे देखेंगे ये स्कैन शुरू हो गया।75% हो गई है स्कैनिंग, नहीं जी 100% हो गई। अब कोई भी गेम प्ले कर लेंगे, मैं किंग ऑफ फाइटर ही प्ले कर लेता हूँ 97। साउंड को मैं बंद कर दूँगा ताकि मेरी आवाज़ आपको ठीक तरह आए। नहीं जी, किंग ऑफ फाइटर की जो गेम है 97 उसे मैं प्ले कर लेता हूँ। ये गेम असल में ये जो इम्यूलेटर है इस पर मैंने पहले भी गेम खेली हुई है, तो इस वजह से मेरी जॉयस्टिक ऑलरेडी सेट है। ये मैं 10 नंबर की जो है ये प्रेस कर रहा हूँ जॉयस्टिक से, तो ये मेरे यहाँ पे टोकन कॉइन्स लग रहे हैं, और ये मैं 9 नंबर बटन दबाऊँगा जो कि सिलेक्ट करता है तो गेम स्टार्ट हो गई है।
नहीं जी, ये मैं करेक्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले याद मैं आपको बताता हूँ कि कीज़ कैसे सेट करनी है। इसमें तो पहले से सेट है ना, मैं आपको बताता हूँ। गेम प्ले करके टैब के बटन को आपने हिट करना है। पहले आप गेम को पॉज करने के लिए पी का बटन जो है उसे प्रेस कर सकते हैं, गेम पॉज हो जाएगी। फिर टैब के बटन को दबाएं, फिर जो पहला ऑप्शन है इनपुट जनरल, फिर आपने जो सेटिंग करनी है वो इनपुट दिस गेम की करनी है। लें जी, ये देखें मेरी ना 9 की ये पहले से वो जो है ना डिफाइंड है, तो इसे यहाँ पे आके आपने ना डिफाइन करनी होती है अपनी। मैं दोबारा कर लेता हूँ, स्टार्ट की मैंने 9 की हुई है और कॉइन 1 के लिए मैं ये सेट कर लिया 8 नंबर की, ये इसको कह रहा है। लें जी, अप के लिए मैं जॉयस्टिक अप कर दूंगा। जिस जिस की की डेफिनेशन आपने बतानी है ना, डिफाइन करनी है की, उस पे मतलब ये जो आपकी कीज़ हैं कीबोर्ड की, अप डाउन लेफ्ट राइट की, उसके ज़रिए आपने उस पे जाना है और एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करके आपने फिर जॉयस्टिक से वो वाली की प्रेस कर देनी है जो आप डिफाइन करना चाहते हैं। अब जैसे ये, अब मैं डाउन पे हूँ, ये डाउन पे मैंने क्लिक कर लिया, अब ये मेरे पास जॉयस्टिक है। यहाँ से मैं डाउन करूँगा, वहाँ पे जो है वो डिफाइन हो गया। इसी तरह मैं सारी कीज़ डिफाइन कर लूँगा। ये लेफ़्ट की कर ली, ये राइट कर ली, बाकी ये मेरी सेट है, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ। भाई इस गेम में ये 4-5 कीज़ की ज़रूरत है, बटनों की ज़रूरत है, तो ये सेट करके टैब दबा के आप उस विंडो को ख़त्म कर सकते हैं। या अब ये इसमें बैक का ऑप्शन भी है, एंटर प्रेस कर दें और यहाँ से रिटर्न टू गेम भी कर सकते हैं। लें जी, अब मेरी ये सेट है, ये मैं प्ले कर सकता हूँ। ये बेहतरीन जो हिस्ट्री का कंबोज लगाने के लिए, अभी मैं प्रॉपरली बैठा नहीं हूँ, इसलिए जो है वो प्ले करना थोड़ा सा ही मुश्किल है। ये बेहतरीन चीज़ है ये जी। इस तरह ये किंग ऑफ मेम्बत इसकी गेमें चल जाएंगी, कोई भी गेम जो है वो चल जाएगी इसके साथ ही। अब हमारे पास पीसी के ऊपर, नॉर्मल पीसी के ऊपर जो है टेकन 6 बहुत इजीली चल जाती है, नॉर्मल सा पीसी हो 4 GB रैम के साथ और मुनासिब सा ग्राफिक कार्ड लगा हो, तो ये टेकन 6 चल जाती है। ये इसका जो इम्यूलेटर यूज़ होता है वो DPS/SSP है। इसकी भी ऐसे ही गेम जो है वो प्ले हो जाती है। इसकी भी कीज़ जो है ना वो थोड़ा बहुत प्ले किया हुआ था पहले गेम, तो इस वजह से पहले से सेट। टेकन 6 भी इसके ऊपर जो है ना इजीली प्ले हो जाती है। टेकन 7 भी प्ले होगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर करना पड़ता है जॉयस्टिक को सपोर्ट करने के लिए। असल में जॉयस्टिक जो है वो टेकन 7 के साथ भी सॉफ्टवेयर के बगैर चल जाती है, उसमें करेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन के ऊपर जो है वो मसला आता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। ले ये जॉयस्टिक, इस तरह ये होगा।
26 गेम पैक डाउनलोड करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये जो है मैं साइड पे रखता हूँ। 32 का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो इसमें ये मैंने एक लिंक ढूंढा है गूगल से, इसमें तकरीबन 3300 गेम्स का जो एक जिप फाइल बनाई हुई है, इसमें रोम्स का मतलब ये आपको डाउनलोड हो जाएंगे। फिर ये एक इमलेटर है, इसका लिंक भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये लिंक आप ओपन करेंगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये जो पहला ऑप्शन है डाउनलोड का, डाउनलोड को क्लिक करेंगे इमलेटर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह ये मैंने एक लिंक जो है वो ओपन किया हुआ है, ये इसी जो इमलेटर डाउनलोड कर रहे हैं बल्कि डाउनलोड हो चुका है उसी के लिए ये गेम्स का पैक यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। 33 गेम्स पैक पे क्लिक करेंगे। ये तो कोई लंबा चौड़ा ही काम बता रहा था शायद, नहीं ये दूसरे लिंक पे क्लिक किया है। ले ये तो डाउनलोड करवा रहा है, 2.4 GB की ये फाइल है, इसमें काफ़ी सारी गेम्स होंगी। तो ये जब डाउनलोड हो जाए, मैं तो डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले ही पड़ी हुई है। डाउनलोड हो जाए वो ओपन करके वो जिप फाइल्स, जिप फाइल के अंदर मज़ीद जिप फाइल्स होंगी, उसको जो है मतलब अनजिप करके ये जहाँ पे आप 32 का फोल्डर अनजिप करेंगे वहाँ पे आके रोम्स के फोल्डर में पेस्ट कर दें। और आपको मैंने ये डायरेक्टरीज का ऑप्शन, गेम्स को इनेबल करवाने वाला ऑप्शन तो बता ही दिया था। ये 32 ओपन करके ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टरीज, और वो आपने रोम का जो फोल्डर होगा उसको लोकेट करवा देना, आपकी गेम्स प्ले हो जाएंगे। ये मेरे पास भी काफ़ी सारी गेम्स पड़ी हुई हैं, 326 गेम्स आ रही हैं मेरे पास। तो इस तरह ये जो है, अभी हम जॉयस्टिक को मोबाइल के ऊपर कैसे चेक करना है ये भी देख लेते हैं। मोबाइल के अंदर जो है OTG की सपोर्ट होनी चाहिए। ये कोई इन्फिनिक्स का मोबाइल है, ये इन्फिनिक्स का मोबाइल है, इसमें OTG की सपोर्ट है। और जैसे ही OTG मतलब कनेक्टर या वायर जो है वो प्लग करते हैं तो ये खुद ही OTG ओपन करने का ऑप्शन दे देता है। जो आजकल लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनमें OTG जो है वो ऑप्शंस में जाके इनेबल करनी पड़ती है। तो ये जॉयस्टिक मैं इसके साथ प्लग करता हूँ। जी जॉयस्टिक मैंने प्लग कर दी है, अभी वर्किंग में नहीं आई, ये वर्किंग में आ गई, कुछ ना कुछ तो हुआ था। ले ये वर्किंग में आ गई। असल में इस यहाँ इसमें भी मोबाइल में भी 32 की गेम ही खेली जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ जॉयस्टिक चेक करने का तरीका बता देता हूँ। प्ले स्टोर से गेम पैड टेस्टर डाउनलोड कर लें। नहीं, ये वाला गेम पैड टेस्टर जो है ना वो मैं यूज़ करता हूँ, आप भी ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल में जाके हमने जॉयस्टिक टेस्ट की थी, ये भी हमें टेस्ट करवा देता है एंड्रॉयड के ऊपर। 3 MB की एप्लीकेशन है। नहीं, ये ओपन हो गया, ओपन किया, टेस्ट गेम पैड पे आए। नहीं जी, ये जैसे गेम बटन प्रेस करेंगे ये ग्रीन कर देगा उसको, ये 9, 10,
ये अप किया तो आपका आ रहा है, डाउन लेफ्ट, ये जॉयस्टिक पड़ी हुई है, मैं यहाँ से इसको बटन्स वगैरह प्रेस कर, ये इसी तरह जो है ना ये टेस्ट की जा सकती है जॉयस्टिक लेंगे, ये इस तरह ना सारी जॉयस्टिक जो है टेस्ट हो जाएगी। जी इस तरह ये जॉयस्टिक टेस्ट हो जाएगी। बाकी इसके ऊपर मेम 32 का एमुलेटर भी डाउनलोड किया जा सकता है। ये एमुलेटर है, ये भी एमुलेटर है, कोई एक डाउनलोड किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा है, साइज इसका काफ़ी ज़्यादा। चलो नेट की स्पीड अच्छी तो हो जाता है, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि मैं कस्टमर अक्सर जॉयस्टिक ऑर्डर कर लेते हैं लेकिन चेक या प्ले करना नहीं आती, तो उनके लिए मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ। एक वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की, इसलिए वीडियो लेंथी भी हो गई है। ये जॉयस्टिक आपको दराज के ऊपर से मिल जाएगी, बेहतरीन चीज़ है, दराज डॉट पी के स्टोर आपको मिल जाएगा। गूगल पे आप लिखेंगे SAL जो IRCADE, तो आपको जॉयस्टिक डाउन ये ऑर्डर करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं जी ये प्ले करें, अब इसमें भी ये भी मेम 32 का एमुलेटर डाउनलोड किया ना, इसमें भी अब गेम पैड की जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास मेन मेन्यू आ रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा इनपुट का, इनपुट ऑप्शन, एक्सटर्नल कंट्रोलर, डिफाइन कीज, प्लेयर वन। यहाँ पे आके जिस तरह हमने कंप्यूटर में सेटिंग की थी इसी तरह हम यहाँ पे इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अब ये अप पे क्लिक करूँगा, जॉयस्टिक से मैं अप प्रेस कर दूँगा, सॉरी ले ये आपको प्रेस किया, आपको मैंने सेट कर लिया, ये डाउन, ये लेफ्ट, ये मेरी जो पहले से ही सेट है तो इसलिए सेट नहीं करनी पड़ रही, वो खुद ही वो सेम की शो कर रहा है। इस तरह अगर सेटिंग ना हो तो गेम की सेटिंग इस तरह करनी है आपने, मुख्तलिफ इम्यूलेटर्स पे डिफरेंट GUI हो सकता है जिसकी वजह से आपको ना डिफरेंट, लेकिन आपको ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाएंगे आपको इनपुट के नाम से ऑप्शन मिलेगा, एक्सटर्नल कंट्रोलर के नाम से होगा, डिफाइन कीज होगा, प्लेयर वन, ये इस तरह आप सेटिंग कर लेंगे। चलिए यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।